Algorithms are very core of successful and efficient development. If we don't fully understand the problem, we won't be able to build the best solution. And agar hum bana bhi lenge, to hume us optimal solution tak pahunchne mein bahut time lagega. Iske baad aap apne solution ko check karo ki kya ye optimize aur ho sakta hai? Kya koi aur better ya fir aur koi efficient approach lag sakti hai? My name is Shaurya Gupta and this video mein main discuss karunga ki how you can think of solutions to data structures and algorithms problem. So before starting, I'd like to introduce myself. So again, my name is Shaurya Gupta and I am a student of Delhi Technological University. I am currently pursuing computer engineering and I'm in third year currently. So algorithms kyun important hai? Algorithms are very core of successful and efficient development. आप इनको यूज़ करोगे जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, आपसे इंटरव्यूज़ में पूछे जाएंगे एंड आपके डे टू डे डेवलपमेंट वर्क का एक हिस्सा होंगे. हर एल्गोरिथम को इंडिविजुअली याद कर लेना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एल्गोरिथम्स को सोच पाओ, डेवलप कर पाओ. मोस्टली बिगिनर्स इसलिए स्ट्रगल करते हैं कि बिकॉज वो कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ऐसे अजम्पशंस या थंब रूल्स बना लेते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 नंबर्स गिवन है सॉर्ट करने के लिए, तो वो बिना सोचे समझे उनको इजीली अरेंज कर देंगे. बट हम अपने थॉट प्रोसेस को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते इंडिविजुअल स्टेप्स में. फॉर इंस्टेंस, कंप्यूटर कैन नॉट जंप टू जनरल स्पॉट्स इन डिक्शनरी टू फाइंड अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स स्पेलिंग. एक कंप्यूटर को बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें. फॉर बिगिनर डेवलपर्स ये बहुत ट्रिकी हो जाता है अपने थॉट प्रोसेस को कंप्यूटेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना. सो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे सोचते हैं? इट्स अबाउट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल एंड सिंपल पार्ट्स, डिफाइन द सॉल्यूशन फॉर ईच पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना एंड देन उसको एफिशिएंट बनाना इवेंचुअली. सो स्टेप वन, breaking a problem down to develop an algorithm. As a beginner, problem ko break down karna naturally nahi aa pata, but jaise jaise hum problem ko break down karne ka try karte hain, hame problem aur acche se samajh mein aane lagti hai. And isse kya hota hai, hame solutions ke bare mein thodi thodi intuitions milne shuru ho jati hain. Aisa karna kafi helpful hota hai jab aapko koi, suppose karo aapko aisi problem di jaye jo ki aapke comfort zone se bahar ho, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपने पहले कभी नहीं देखी है. सो फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको एक प्रॉब्लम गिवन है कि आपको एक वर्ड है, उसको आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स में ढूंढना है. फॉर दिस सर्च प्रॉब्लम, यू जनरली नीड टू नो फर्स्ट थिंग कि वेयर एंड हाउ टू स्टार्ट द सर्च, एंड सेकेंड थिंग व्हेन एंड हाउ टू स्टॉप द सर्च. फिर उसके बाद ये जानना ज़रूरी होता है थर्ड कि हाउ टू कंपेयर टू लिस्ट आइटम्स टू डिटरमाइन व्हिच विल कम बिफोर द अनदर, एंड देन फोर्थ, हाउ टू कंटिन्यू द सर्च व्हेन यू हैवंट फाउंड द वर्ड येट. इस केस में एक अच्छा एल्गोरिथम वो होगा जो स्टेप्स वन एंड टू के बीच के टाइम को रिड्यूस करेगा एंड आपको थर्ड एंड फोर्थ स्टेप के काम को कम से कम करना पड़े. इधर हम अपनी प्रॉब्लम को कुछ ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि फर्स्ट, वर्ड्स का क्या एक्सपेक्टेड ऑर्डर है. सेकंड, ये देखना कि कैसे कोई दो वर्ड्स को कंपेयर करना है एंड कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा एंड कौन सा नेक्स्ट आएगा. थर्ड, हमें ये पता करना ज़रूरी है कि हमें हमारा डिज़ायर्ड वर्ड जब मिल जाएगा वो कैसे पता चले. एंड फोर्थ ये पता करना है कि क्या वर्ड लिस्ट में है या नहीं है. इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना भी इम्पॉर्टेंट है. सो वी विल अज्यूम दैट पॉइंट्स 1 एंड 2 आर टेकन केयर ऑफ बाई यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स फॉर द ऑर्डर एंड दैट वी कैन ईजिली डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स बाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लेटर्स. अब हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं. नेचुरली हमें पता चल जाएगा कि हमारा डिज़ायर्ड वर्ड हमें मिल गया है अगर जो इंडेक्स पे हम हैं, किसी सर्च पोजिशन पे हम हैं, उस पे जो वर्ड रखा है वो एग्जैक्टली मैच करेगा हमारे गिवन डिज़ायर्ड वर्ड से. एंड अगर हम सर्च करते लिस्ट के एंड तक आ गए हैं
एंड हमें पूरे सर्च में कभी वो वर्ड नहीं मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ स्टेप का जो हमारा वो था कंक्लूजन था वो हमने अचीव कर लिया कि हमें हमारा डिजायर्ड वर्ड नहीं मिला। नाउ स्टेप टू, बिल्डिंग एल्गोरिदम अप विद सिंपल स्टेप्स। ये बहुत आसान लगता है कि सीधा आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन को बिल्ड करने का ट्राई करो, बट ऐसा हो सकता है कि अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन को कोड करना चाह रहे हो तो आप मे बी आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दो बट स्टिल आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओ। इफ़ वी डोंट फुली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वी वोंट बी एबल टू बिल्ड द बेस्ट सोल्यूशन, एंड अगर हम बना भी लेंगे तो हमें उस ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। सोल्यूशन तभी बिल्ड करना स्टार्ट करो जब आप अपने प्रॉब्लम को सिंपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर चुके हो एंड उन्हें अच्छे से समझ लिया है। अब आप सोल्यूशन को पार्ट बाय पार्ट बिल्ड कर सकते हो। सोल्यूशन का हर पार्ट प्रॉब्लम के हर पार्ट मतलब किसी एक या किसी ज़्यादा पार्ट को एड्रेस करेगा जो आपने आइडेंटिफाई करी थी प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करते हुए। सो अगर हमें अपने डिक्शनरी सर्च वाले प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बिल्ड करना हो तो कुछ ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट हम लूप या फिर रिकर्सिव फंक्शन को लिख सकते हैं एंड देन लूप को एग्जिट या फिर रिकर्सिव फंक्शन को एग्जिट करने का कोड लिख सकते हैं। एंड देन थर्ड, अगर वर्ड नहीं मिला आपको पूरी लिस्ट में तो लूप एग्जिट करने का कोड लिख लो। एंड देन फोर्थ, राइट द कोड दैट डिसाइड्स हाउ टू सर्च नेक्स्ट इफ द वर्ड इज नॉट फाउंड बट द डिक्शनरी इज नॉट एग्जॉस्टेड। एंड उसके बाद आप अपने एज केसेस, बाउंड्री कंडीशंस या फिर आप कुछ और डिटेल्स को देख लो, लाइक व्हाट हैपेंस अगर आप इस फंक्शन में एम्प्टी लिस्ट को प्रोवाइड करते हो। जब आपने सोल्यूशन को कोड कर लिया एंड एग्जांपल केसेस को यूज़ करके चेक कर लिया कि उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सोल्यूशन की एफिशिएंसी को एनालाइज करना, मतलब स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करना। इसके बाद आप अपने सोल्यूशन को चेक करो कि क्या ये ऑप्टिमाइज और हो सकता है, क्या कोई और बेटर या फिर और कोई एफिशिएंट अप्रोच लग सकती है। इसका आपको पता ऐसे चलेगा जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, जो आपने सपोज करो आपको ये प्रॉब्लम कोई सिमिलर दिखती है तो आपने जो उस प्रॉब्लम में एल्गोरिदम यूज़ करा था, बहुत एफिशिएंट एल्गोरिदम यूज़ करा था, आप उसको यहाँ यूज़ कर सकते हो। एंड फाइनली वी शुड कीप ऑप्टिमाइजिंग द सोल्यूशन फर्दर अंटिल देयर इज नो फर्दर पॉसिबिलिटी। जब आप थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के सोल्यूशंस को सोच पा रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप आपके ये होने चाहिए कि आप एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो एंड कोड करने का ट्राई करो। एंड फाइनली डेली थोड़ा टाइम निकाल के उन प्रॉब्लम्स को ट्राई करने का एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। सो आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगी एंड आप और अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।